नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आप सभी लोगों को एक नई वीडियो के साथ बताने वाले हैं कि स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिरूप पूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग जब नाइन्थ या हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर या इंटर का जब स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, जब रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश या रिन्यूअल जो भी है आप लॉगिन करके अपने होम पेज पे जाते हैं, इस प्रकार का कुछ पेज दिखेगा जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आधार नंबर डाल करके प्रमाणीकरण भी डेमोग्राफी मतलब आधार कार्ड को प्रमाणीकरण कर लेते हैं। उसके बाद आप मोबाइल नंबर का भी सत्यापन कर लेते हैं। फिर आपकी बारी आती है NPCI सत्यापन। तो NPCI सत्यापन हेतु जब आप क्लिक करते हैं तो पहली बात तो अगर NPCI सत्यापन होना होता है तो ये ग्रीन चेक मार्क अपने आप स्वयं हो जाता है, NPCI सत्यापन स्वयं कर लेता है। बट अगर NPCI सत्यापन नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे स्टेटस नॉट रिसीव फ्रॉम NPCI सर्वर। तो इनका NPCI मतलब DBT नॉट लिंकिंग है, तो ये कैसे लिंक होगा? तो सबसे पहले आपको NPCI एंड DBT लिंकिंग करवाना होगा। उसके लिए आपको आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है बैंक में जाइए और DBT लिंकिंग एंड NPCI लिंकिंग का फॉर्म भर दीजिएगा और अपना DBT और NPCI लिंक करवा लीजिएगा बैंक से। फिर ये अपने आप स्वतः यहाँ पे ग्रीन चेक मार्क हो जाएगा, ये आपका चरण आगे बढ़ जाएगा। अगर आप नहीं लिंक करवाना चाहते हैं उस बैंक में तो आप किसी अन्य बैंक में नया अकाउंट खुलवा लीजिएगा। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है जो आप NPCI और DBT ये लिंक कर सकें, तो आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। उसके लिए बैंक विजिट कीजिए, वहाँ पे एक फॉर्म लीजिए, NPCI एंड DBT लिंकिंग करवा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।